हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बेबी गर्ल का फ्रॉक बनाएंगे, तो जिसकी जो बाजू होंगी वो ऑफ शोल्डर्स होंगी। तो चलिए पहले हम उसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा है, हम इसको हमने 4 तह में फोल्ड कर चुके हैं। अब हम इसकी चोली की कटिंग करेंगे। जो चोली की जो इसकी लंबाई है, चोली की लंबाई 12 लेंगे, पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो हमने 13 इंच लेके हम इस निशान लगाएंगे और इतना हम इसे कट कर देंगे। तो चोली का हमने पीस कट करके फिर हम उसका मेजरमेंट करेंगे और फिर नीचे का घेर बाद में काटेंगे। जो हम ऊपर की चोली बनाएंगे उसमें हमें जिप लगानी है पीछे, तो इसलिए हमने आधा इंच, आप देख सकते हैं, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो बैक का होगा, और फ्रंट का उसको पीछे करके रखा है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके, जितना हम अपना जिप में अंदर जाएगा कपड़ा उतना फोल्ड करके, अब हमने दोनों बराबर कर लिया है। अब हम इसके मेजरमेंट क्लिक कर, इसमें हम इनका तीरा जो लेंगे वो अपने 6 इंच का लेंगे, और 6 इंच का ही हम ये आर्महोल लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 4th हिस्सा लगाएंगे, जो कि हमारा है 8 इंच, क्योंकि 32 कमर है, वो सॉरी चेस्ट है। 1.5 इंच की गहराई करेंगे, क्योंकि हमें ये कट स्लीव बनाना है, तो इसमें सिर्फ हम बैक वाली ही गहराई करेंगे, फ्रंट वाली नहीं करेंगे। और अब इस ये करने के बाद, गहराई करने के बाद नीचे तक हम इसमें निशान लगा देंगे, जितना हमारी कमर का है उसका 4th हिस्सा। इसको अब 1-1 इंच का हम मार्जिन देंगे इसमें, 1-1 इंच का, और इसमें निशान लगा देंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे, हमें बोट नेक बनाना है, तो इसका हमने 3 इंच की चौड़ाई ली है और 4.5 इंच की हम गहराई लेंगे। तो इस तरीके से बोट नेक बनाएंगे, और बैक वाला इससे कम से कम 1 से 1.5 इंच हम छोटा काटेंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है बैक का भी और फ्रंट का भी। तो पहले हम बैक वाला काट लेंगे, फिर बाद में अलग से निकाल के फ्रंट का नेक काट देंगे। और 1/2 इंच कंधे गिराते हुए हम इस चोली की फुल कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है उसी पे करते हुए हम इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। जो हमने कपड़ा मोड़ा था जिप के लिए, तो हम उसमें भी ये छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इससे पता चलता है कि हमारा कपड़ा हमें कितना मोड़ना है, तो ये कट लगाने से काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसके नीचे की कटिंग करेंगे। हमने अब नीचे के घेर के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसको एक कोन शेप दे दिया है। ऊपर हमने ये चोली रखी है, जितनी हमें कमर चाहिए उतना इससे हमारा नाप लग जाता है, और हम नीचे भी हम अपना घेर जितनी हमें लंबाई चाहिए उसका निशान लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हम इंची टेप रखेंगे वैसे वैसे उस पर निशान लगा देंगे, तो एक हमें ऑटोमेटिकली एक सर्कल मिल जाएगा, और अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करके इसको रेडी करेंगे। देखिए, अब हमने कटिंग कर लिया, ये देखिए, ये हमारा कमर का निशान से हमने कट कर दिया और नीचे से भी कट कर दिया, तो ये हमारा एक स्कर्ट पार्ट रेडी हो गया। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसमें हमें मोरी लेंगे हम 4.5 इंच, जितनी हमें मोरी चाहिए होगी उस पर निशान लगाएंगे। इसके हमें 8 इंच की लंबाई चाहिए, तो हमने वो लगा लिया है, एक निशान डालेंगे। और अब इसके बाद हम 2.5 इंच की गहराई करते हुए और अपना 6.5 पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 6.5 जो होता है वो हमारा चेस्ट का 5th हिस्सा है। अब इसकी गोलाई करेंगे, जिस तरीके से बाजू की गोलाई की जाती है, और जहां हमने मोरी का निशान लगा उसको ऊपर से मिला देंगे, और 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऑफ शोल्डर करने के लिए हम 2 इंच यहाँ बंद वाली साइड से एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से गोलाई कर देंगे, थोड़ी सी गोलाई करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये इस तरीके से ऐसे। तो अब देखिए, ये अब हमारा ऑफ शोल्डर की तरह बाजू उसमें कट गई है। अब इधर हम पाइपिंग लगाना चाहे पाइपिंग लगा सकते हैं, पट्टी लगा सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो आप करके बाजू रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। हमें ये स्लीव जो है बेल स्लीव बनानी है, तो अब ये जो कोन बचा था तो हम इसी में से इसके नीचे का बेल निकालेंगे इस तरीके से।
जितनी हमारी मोरी है उसको हम ऊपर रख देंगे और निशान लगा देंगे, और यहीं से इसको कटिंग करेंगे, और जितनी हमें नीचे तक लंबाई चाहिए हम उसको निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। मेरा यह हमारा फ्रंट का हिस्सा है, अब इसे हमें प्रिंट्स कट कटिंग करनी है। तो हमने देखिए 3 इंच पे एक निशान लगाया है, यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाया, और ये आधे आधे इंच की प्लेट का निशान लगाया है जो हमारी कटिंग आएगी, बिल्कुल आधा आधा इंच। और हमने ये नीचे से 5 इंच तक पे निशान लगाया है, और ऊपर में यहाँ से इस तरीके से लगा के हमने सीधा मिला दिया है। और अब ऊपर से ही जो जितने हमारे मुड्डे हैं हमने उसका हाफ लेके इसको वहां से मिला दिया है। इस पे हम निशान लगा दे कट लगा देंगे। अब हम इसकी जो हम इसको जोड़ जो लगाएंगे ना, इसके बीच में हम इसके मैचिंग के कलर की पाइपिंग ऐड करेंगे। जैसे इसमें ऑरेंज कलर है तो हम इसमें ऑरेंज कलर की पाइपिंग ऐड करेंगे। तो अब हमने ये मतलब पाइपिंग की पट्टी काट ली है, ये अरेवा पट्टी होती है जो गले में और बाजू वगैरह में लगाई जाती है, वही पट्टी है। तो हम इसको इस डबल करके इसके यहाँ पे सील लेंगे, जहाँ से हमने कटिंग किया था इसको इसी के ऊपर सील देंगे, देखिए इस तरीके से। और सीलने के बाद इसको पलट के दूसरा पार्ट इसके ऊपर नीचे रख के सील देंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसको पलट देंगे, ये देखिए इस तरीके से पलटेंगे। जितनी आपको पतली चाहिए पतली पाइपिंग चाहिए आप उतनी पतली पाइपिंग निकाल सकते हैं। अब ये देखिए इसको हमने नीचे रखा और पाइपिंग वाले हिस्से को ऊपर रखा इस तरीके से, देखिए आधा इंच दबाते हुए। अब इसमें बिल्कुल सफाई से नी तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे, और पाइपिंग को बिठाते जाएंगे, देख इस तरीके से पाइपिंग को बिठाते जाएंगे, और दोनों पार्ट्स को भी हम जोड़ते चले जाएंगे। और ये जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा पीस हो रहा है ये देखिए सेंटर वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और साइडों वाले दोनों छोटे हो जाते हैं। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब हम दोनों पीसों के कंधे सिलेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला है और ये बैक वाला, देखिए हमने जिप भी लगा ली है इसमें, इस तरीके से देख सकते हैं ये जिप लगा चुके हैं हम। तो अगर आपको जिप लगाना सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको जिप लगाना भी सिखाऊंगी। तो इस तरीके से अब हम कंधे जोड़ेंगे। अगर आपके कोई और मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सजेशन भी देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में हम क्वेश्चन कीजिए या क्वेश्चन पूछिए, या मुझे जो भी सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, तो मैं ज़रूर उन सजेशन पे ध्यान दूंगी और अपनी वीडियो और बेहतर करूंगी। तो इसी तरीके से हम इसके शोल्डर हम देखिए अटैच कर दी कर चुके हैं। अब हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे और हम अपने मुंडों पर भी पाइपिंग लगाएंगे। तो दोनों पे हम पाइपिंग रेडी कर लेते हैं। देखें गले पे तो हमने पाइपिंग लगा ली है, आगे और पीछे देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया, और अब हम बाजुओं पे भी मुड्ढों पर भी पाइपिंग लगाते हैं। हमने इसी तरीके से बाजुओं पे भी लगा ली है, बाजुओं में हमने कंट्रास्ट में लगाई है, जो ऑफ शोल्डर हमने काटा था वहाँ पे हमने ये कंट्रास्ट में लगाई है। और ये बेल स्लीव, अब हम इसमें से बेल स्लीव जोड़ के हम आपको बाजू जोड़ के दिखाते हैं।
अब हम नीचे के किनारे भी इसको मोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों बाजुएं तैयार कर लेंगे और नीचे का जो घेर है उसको भी इस तरीके से नीचे का फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम ये सब करने के बाद दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए बाजुओं को भी हम इस तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे जहाँ, और इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब बाजू की फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए पहले ये इस तरीके से फिटिंग करके यहाँ तक लेके आएंगे जहाँ तक हमें मोरी चाहिए, फिर वहाँ से हम ऊपर तक लेके जाएंगे जिस तरीके की हमारी बाजू की फिटिंग है। तो और इसी तरीके से हम पूरी नीचे तक फिटिंग करेंगे। अब जिप की तरफ से पकड़ के एक कोना एक तरफ से पकड़ के हम नीचे का घेर अटैच कर देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही साइड से सिला है, हमने दूसरी साइड से नहीं सिला, तो इसलिए हम एक कोने से पकड़ के पूरे अम्ब्रेला के घेर को हम पूरे कमर में अटैच कर देंगे। फिर बाद में मेन फिटिंग की सिलाई देंगे और इसको पूरा नीचे तक बंद कर देंगे। अब नीचे से शुरू करेंगे सिलाई देना। अब ये हम ऊपर कमर तक बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे और फिर ऊपर जो चोली में है वो उसमें हम फिटिंग की सिलाई देंगे जिस तरीके से हमारी फिटिंग करनी है हमें। तो ऊपर तक हम इसी तरीके से सिलाई लेते हुए जाएंगे। ये फ्रॉक हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा फ्रॉक बना है। तो इसका घेर भी काफ़ी अच्छा है, इसके ऑफ शोल्डर भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पाइपिंग भी काफ़ी उभर कर आ रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।